हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल एंट्रेंस एग्जाम गाइड। सो गाइस, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं IISc 2023 के बारे में। जी गाइस, आप लोग का IISc 2023 का फुल फॉर्म क्या है, किस लिए एग्जाम कंडक्ट करवाता है, इस एग्जाम की कंडक्टिंग अथॉरिटी कौन सी, इसका एप्लीकेशन फॉर्म कब रिलीज होगा, सिलेबस क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, कौन कौन इस एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकता है, कौन कौन अप्लाई नहीं कर सकता, सारी चीजें डिटेल में डिस्कस करेंगे आज इस वीडियो में। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अगर यहाँ पे IISc 2023 का कोई 23 का जो है कोई भी नया अपडेट आता है, कोई भी नोटिफिकेशन रिलीज होता है, तो हम आप लोगों को वीडियो के थ्रू अपडेट करके आप लोगों को नोटिफाई कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे IISc का फुल फॉर्म देखेंगे, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस यहाँ पे इसका फुल फॉर्म है। अब गाइस, एक नेशनल लेवल का एग्जाम है, ऑल ओवर कंट्री से, किसी भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं इस एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आपको साइंस, इंजीनियरिंग, डिजाइन एंड मैनेजमेंट जैसे वेरियस कोर्सेज, वेरियस फील्ड में न्यूमेरस कोर्सेज में एडमिशन मिल सकता है। अब गाइस, एग्जाम जो आप लोग का IISc बेंगलोर यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर के थ्रू आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है। इसका एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन मोड में रिलीज किया जाता है। तो गाइस, ये तो हमने जो भी डिटेल्स दिए तो सारी इसकी हाइलाइट्स थी। अब इसके बारे में हम डिटेल में जाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि आप लोगों का जो एप्लीकेशन फॉर्म है गाइस, यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे फरवरी के मिड में एप्लीकेशन रिलीज किया जाता है। ऑल्दो अभी तक ऑफिशियल अथॉरिटी को तो डेट्स अनाउंस नहीं की गई है, जैसे डेट्स अनाउंस होगी हम उसके ऊपर एक वीडियो बनाएंगे, उस वीडियो में आपको हर एक इवेंट की डेट्स जो है कम्प्लीटली एक्सप्लेन करके बता दी जाएगी। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म की। तो गाइस, आप लोगों का जो एप्लीकेशन फॉर्म है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, क्योंकि अगर आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते जब कोई गलती करते हो, कोई मिस्टेक करते हैं, या कोई भी इनवैलिड डिटेल्स अगर आप एंटर करते हैं, तो गाइस आप लोगों का एप्लीकेशन डायरेक्टली रिजेक्ट हो जाएगा, मे बी आपका एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे एक्सेप्ट ना हो। क्योंकि कई बार क्या होता है, जो स्टूडेंट्स रहते हैं फर्स्ट टाइम एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहे हो, तो उन्हें कोई आइडिया नहीं होता कि किस तरह से यहाँ पे जो है फोटोग्राफ सिग्नेचर डॉक्यूमेंट को स्कैन करके अपलोड करना है। साथ ही गाइस, यहाँ पे आप लोगों का जो है एप्लीकेशन फी किस तरह से पे करना है, डिटेल्स किस तरह से एंटर करना है, और इस वजह से उनका एप्लीकेशन यहाँ पे सबमिट नहीं हो पाता है। तो गाइस, आप लोगों को ये सारे प्रॉब्लम फेस हैं, इसलिए आपको क्या करना है, सिंपली चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि जैसे एप्लीकेशन रिलीज होगा हम उसके ऊपर एक वीडियो बनाएंगे, उस वीडियो में आप लोगों को लाइव एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके बताया जाएगा। जी हाँ गाइस, फ्रॉम स्टेप वन यानी कि आपका नाम एंटर करने से लेकर टिल फाइनल सबमिशन, एप्लीकेशन फी तक इवन आप लोगों को पे करके बताई जाएगी। तो मेक श्योर कीजिए आपने चैनल को सब्सक्राइब किया हो, ताकि आपको कोई परेशानी दिक्कत ना हो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने में। एप्लीकेशन फी की बात करें तो गाइस, यूजी कोर्सेज के लिए SC ST और PWD के लिए 250 रुपीज एप्लीकेशन फी है, रेस्ट सारे कैंडिडेट्स के लिए 500 रुपीज है। और अगर PG कोर्स की बात की जाए तो SC ST और PWD के लिए 400 है। ERP कैंडिडेट्स के लिए चाहे वो हर कोई भी कैटेगरी का 2000 है, बाकी जो भी कैटेगरी बची मीन्स जनरल, OBC, स्पॉन्सर कैंडिडेट हो गया फ्रॉम डिफेंस, DRDO, BRC, बार, ISRO, NAL, KSRTC, BMTC, BDA, PWD और CPRI, उनके लिए यहाँ पे जो 800 रुपीज एप्लीकेशन फी रखी गई है। अब नेक्स्ट गाइस, आगे बढ़ेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की ओर। तो गाइस, आप लोगों का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, उसे सेटिस्फाई करना आप लोगों का कंपलसरी मैंडेटरी है। अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेटिस्फाई नहीं करते तो आप लोग गाइस इस एग्जाम के लिए एलिजिबल नहीं, आप लोग इस एग्जाम के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। तो आइए चेक करते क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। सबसे पहले यूजी कोर्सेज की बात की जाए तो यूजी कोर्सेज के लिए गाइस आप 12 पास आउट रहने चाहिए विद फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स एज अ कंपलसरी सब्जेक्ट। परसेंटेज की बात करें तो 60% आपके मिनिमम यहाँ पे रहने चाहिए। अगर आप लोगों के पास साथ ही साथ KVPY, JEE मेन, JEE एडवांस और नीट, इसमें से किसी का भी स्कोर कर देना कंपलसरी मैंडेटरी है। अपेयरिंग कैंडिडेट है करंटली 2023 में आपका 12th कंप्लीट होगा तो भी आप लोग इस एग्जाम के लिए एलिजिबल रहेंगे। ये थी गाइस यूजी की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब PG की एलिजिबिलिटी देखते हैं। BE या BTech कंप्लीट किया हुआ रखना चाहिए आपने, अगर फाइनल ईयर में हो तो भी आप लोग एलिजिबल रहेंगे इसके लिए। साथ ही साथ गेट का 2020, 21 या 22 का गाइस यहाँ पे आप लोगों के पास स्कोर कार्ड रहना चाहिए, या तो कैट का स्कोर कार्ड रहेगा तो आप लोग इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। उसके बाद गाइस आप लोगों का गाइस यहाँ पे फॉर्म फिल करने का, तो आपका रैंक लिस्ट रिलीज किया जाएगा, मेरिट लिस्ट। उसके बाद गाइस आप लोगों का यहाँ पे कट ऑफ रिलीज किया जाएगा, अगर आपके जो है मार्क्स गाइस यहाँ पे एग्जाम्स के मार्क्स जो है यहाँ पे कट ऑफ के उस पर रहेंगे, यानी कि JEE मेन का, JEE एडवांस और नीट यूजी, उसके लिए आप सेपरेट कट ऑफ रिलीज किए जाएंगे हर एक कास्ट वाइज, और फिर कट ऑफ के हिसाब से आप लोगों को गाइस यहाँ पे एडमिशन दिया जाएगा, इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, इंटरव्यू के बाद आप लोगों को यहाँ पे जो एडमिशन दिया जाएगा। सो गाइस, आई होप अभी आप लोगों को यहाँ पे जो है
IISc 2023 के रिगार्डिंग कुछ भी डाउट नहीं होगा। इनकेस कुछ डाउट है, कोई भी हेल्प चाहिए, आप डायरेक्टली कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम जरूर आपकी मदद करने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। इसी के साथ अगर ये वीडियो अच्छा लगा, वीडियो आप लोगों के लिए बेनिफिशियल नॉलेजेबल रहा हो, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, बेल आइकन बटन दबाना ना भूलिए। थैंक यू फ्रेंड्स।